हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसोल्यूबल, पार्शली सोल्यूबल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट है वाटर और वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो वाटर आप सबको पता है एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो जो इस जो भी आपका गिवन है उसमें से जो पोलर होगा तो वो पोलर में क्या होगा, कम्प्लीटली डिसॉल्व होगा, और थोड़ी बहुत पोलरिटी होगी तो पार्शली डिसॉल्व होगा, और पोलरिटी नहीं होगी दैट मीन्स नॉन पोलर होगा तो वो जनरली इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला है फिनॉल। तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, फिनॉल क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हम देखें तो जो पोलर ग्रुप है उसमें जो पोलर ग्रुप है वो कौन सा है, OH, ये एक पोलर ग्रुप है। और इसमें जो फिनाइल ग्रुप है C6H5 ये एक नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक पोलर है नॉन पोलर दोनों है, तो ये जो होगा वो पार्शली सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिनॉल जो होगा वो पार्शियल सोल्यूबल होगा वाटर में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉल्यूइन का। तो टॉल्यूइन आप सबको पता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप बोलते हैं टॉल्यूइन, इसका IUPAC नेम है मिथाइल बेंजीन। तो इसमें क्या ग्रुप होता है, C6H5 और यहाँ से CH3 ग्रुप। और ये जो कंपाउंड है इसमें कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं, दैट मीन्स ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर क्या है अपना, पोलर, तो ये जो होगा वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, रीज़न क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है HCOOH। तो इस कंपाउंड में क्या है, पोलैरिटी है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, कार्बन ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन और इसके बीच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक स्ट्रांगली पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये वाटर में क्या होगा, हाईली सोल्यूबल होगा। ठीक है, हाईली सोल्यूबल। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल कंपाउंड की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 CH2, और इनके पास क्या होगा, OH ग्रुप भी होता है। ठीक है, और इसमें जो पोलर ग्रुप है वो है OH ग्रुप, OH एक पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, पोलर ग्रुप है, और ये अल्कोहल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करता है, वाटर भी फॉर्म करता है, तो ये जो होगा ये भी इसमें वाटर में हाईली सोल्यूबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो ये भी क्या होगा, वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल जो कंपाउंड है उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पेंट मतलब क्या है, 5 कार्बन का चेन है, तो यहाँ से कार्बन टोटल 5 होंगे और यहाँ से OH ग्रुप। अब देखिए OH ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये तो है क्या, पोलर, और इसमें ये जो कार्बन का चेन है ना, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर होते हैं, नॉन पोलर, इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, पार्शली सोल्यूबल होगा वाटर में। ठीक है, पार्शली सोल्यूबल इन H2O। क्लियर है, तो सिंपल हमें ये जानना होगा इस क्वेश्चन में पोलर ग्रुप कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, तो उसी हिसाब से वाटर में क्या होगा, सोल्युबिलिटी होगा। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 का। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है,
इफ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml कंटेन 92 ग्राम सोडियम आयन पर kg ऑफ वाटर, ठीक है, एक kg में सोडियम के इतने ग्राम 92 ग्राम प्रेजेंट है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इन लेक। तो यहाँ पर डेंसिटी कोई रोल नहीं है, हमें निकालना है क्या होता है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट डिवाइड बाय होगा उसका मोलर मास इनटू यहाँ पर होगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, तो ये मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है और वेट कितना है 92 ग्राम और सोडियम आयन है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 इंटू यहाँ पर केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 4 मोलर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हमें सोडियम आयन का पूछा है, तो डेंसिटी यहाँ पर वाटर का दिया हुआ है, लेक वाटर का, तो इसका कोई रोल नहीं है, सीधा सपने को मोलैलिटी निकालना था। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपने अगर 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बोर्ड में MCQ में भी पूछ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज 6 × 10⁻¹⁶, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैलिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आपको कंपाउंड दिया है CuS, इसको अगर आयनाइज करें हम, ठीक है, तो कैसे ब्रोक होगा, Cu पे +2 चार्ज और यहाँ से सल्फाइड आयन। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो आयन है Cu+2 आयन, इसको हम कंसंट्रेशन इसका एस मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी के टर्म में, और सल्फाइड आयन का कितना होगा, एस कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम रहेगा, तो इसका जो KSP होगा, KSP को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका सिंबल होता है, तो एस इंटू एस हो जाएगा, तो यहाँ से KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, और आपको यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवेन है KSP की वैल्यू, तो KSP की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, हमें S की वैल्यू निकालना है, तो S इक्वल टू क्या होगा, रूट यहाँ से KSP, तो यहाँ पर KSP की वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻¹⁶, इसका रूट आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 रूट और ये 10⁻¹⁸ बाहर हो जाएगा, इसका 10⁻¹⁶ का रूट निकालेंगे तो 10⁻¹⁸ बाहर, और रूट एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो अप्रोक्स में इसका 2.45 × 10⁻¹⁸ इसका आंसर बनेगा, ठीक है, यही इसका मोलैलिटी होगा, ठीक है, इसका सिंबल मोलैलिटी में आप एम दे सकते हैं। बोर्ड में ये ऐसे क्वेश्चन MCQ में भी आ सकते हैं, आपका जो KSP की वैल्यू है वो चेंज कर देगा, तो कॉन्सेप्ट आपका सॉल्युबिलिटी का यही रहेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।